फ्रेंड्स, मैं मालविका देसाई और एमडीज गार्डन में आप सभी का स्वागत है। वीडियो की शुरुआत ही मैं रेड प्लांट का बोनसाई है उससे कर रही हूँ, मेरे टेरेस में रखा हुआ है। तो आज के वीडियो में मैं एडेनियम के बारे में बात करने वाली हूँ। मॉनसून सीजन में हम किस तरह से एडेनियम की केयर करें तो सालों साल तक बने रहेंगे हमारे साथ, यही सभी बातें आज के वीडियो में आप सभी के साथ करूँगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये है मेरे एडेनियम, इससे ज़्यादा प्लांट है मेरे पास, ये कुछ एक प्लांट ही आपको दिखा रही हूँ। एडेनियम एक फुल सनलाइट में ग्रो होने वाला प्लांट है, इसीलिए मैंने इसको टेरेस में ही रखा है। तो पूरे दिन की सनलाइट पसंद है एडेनियम को, तो उसी वजह से गर्मियों में तो एडेनियम को कुछ नहीं होता है, पर बारिश में इसको ख्याल रखना पड़ता है एडेनियम के प्लांट का। तो एडेनियम एक सैंडी एरिया में ग्रो होने वाला प्लांट है, मतलब कि रेगिस्तान में ग्रो होता है, तो उसको सोइल भी सैंडी सोइल चाहिए, वेल ड्रेन सोइल चाहिए, फटाफट से पानी निकल जाए गमले में, इस तरह से हमें उसकी मिट्टी बनानी है। और देखिए, एडेनियम को बारिश भी पसंद है, 3-4 बारिश का पानी हमें अच्छे से उसको देना चाहिए ताकि उसकी ग्रोथ अच्छे से हो। उसका कोडेक्स बहुत ही बड़ा हो जाता है जब बारिश का पानी हम देते हैं उसको, और उसकी ग्रोथ में भी फ़र्क पड़ता है। तो आपके यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, 2400 घंटे शुरू है, 2-3 दिन से शुरू है, ऐसा है तो आप फिर उसको शेडी एरिया में रख सकते हैं, वरना 2-3 घंटे बारिश आई और वापस से बारिश बंद हो गई, ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उसको रखें, 3-4 बारिश का पानी अच्छे से दे ताकि इसका कोडेक्स बहुत ही अच्छा हो जाए, बड़ा हो जाए और उसकी ग्रोथ भी अच्छे से हो। तो ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात ये है कि बारिश के मौसम में एडेनियम को फंगस लगने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गमले में रुकेगा तो उसकी रूट्स गलेगी। वैसे भी एडेनियम की रूट्स में पानी होता है, स्टोर होता रहता है, तो बहुत ज़्यादा पानी होगा तो एडेनियम के लिए अच्छा नहीं होगा। तो उसके लिए हमें एडेनियम में फंजीसाइड का यूज़ करना है। मैं तो ये फंजीसाइड यूज़ करती हूँ, आपके पास जो भी फंजीसाइड है वो उसके गमले में थोड़ी सी गुड़ाई करके हमें डालना है, आधे चम्मच जितना। तो ये एक ज़रूरी बात हो जाती है कि बारिश में हमें फंजीसाइड का यूज़ करना चाहिए। अगर आपके पास ये फंजीसाइड नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का भी इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो एडेनियम को फंगस का खतरा कम होगा। और तीसरी बात की देखिए, ये इसके अभी नई नई कलियाँ बन रही है और ग्रोथ का टाइम हुआ है उसका, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही थी तो इसने भी अपनी ग्रोथ रोक दी थी और थोड़ा टेम्परेचर अभी डाउन हुआ है तो वापस से कलियाँ आने लगी है, तो इसको फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें कोई भी फर्टिलाइज़र देना है, लिक्विड हो सकता है, ठोस वाला, बोन मील, गोबर खाद, कोई भी हमें गमले में गुड़ाई करके दे देना है तो ये अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। कुछ कुछ में तो फ्लावर होने भी लगे हैं। तो मैंने पहले भी बताया और फिर भी बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो इसको बहुत ज़्यादा बारिश में हमें इसको शेडी एरिया में रखना होगा। और देखिए, मेरे प्लांट्स में भी कुछ ऐसा हुआ है कि पत्तों की ग्रोथ ज़्यादा हो गई है और कलियाँ कम बनी है, इस साल ऐसा हुआ है। तो देखिए, हमें इसके पत्ते हटा देने हैं, 3-4 ही पत्ते रखने हैं, बाकी सब नीचे के पत्ते हटा देंगे तो इसकी कलियाँ बनने लगेगी। देखिए, इसमें भी ऐसा हुआ है, मैंने इसमें भी बहुत ज़्यादा पत्ते थे तो कुछ कुछ तो हटा दिए हैं, उसी वजह से कलियाँ ये बनी है। तो बस यही सभी बातों का ख्याल रखना था, मैं तो इसी तरह से ख्याल रखती हूँ। आपके पास एडेनियम है तो आप भी इस तरह से केयर करें तो सालों साल बने रहेंगे आपके पास। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। तो ये एक बहुत ही पुराना एडेनियम है, उसी से वीडियो का एंड कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबाएँ ताकि सभी मेरे नए नए वीडियोस की जानकारी आप सभी को मिलती रहे।
तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी और नए प्लांट के साथ उसकी जानकारी लेकर। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।